नमस्कार। अभी इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। हम किसी भी दो नंबर या तीन नंबर का स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, उसको आपने देखा। वहां पर हम बिना पेन चलाए भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अब आगे देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का। एग्जाम्स में हमेशा बड़ी बड़ी संख्या दी होती हैं और उनका रूट निकालना होता है, तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है निकालने में, तो उसको आज आपको बता देंगे कि कैसे निकालेंगे। वैसे निकालने के तरीके तो हैं, आप भाग विधि से भी निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन इस तरीके से और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आपका टाइम बचेगा इसमें। तो इस तरीके को सीख गए, कुछ सीखना है नहीं, ज़्यादा उतना कठिन भी नहीं है, हल्का समझना है बस, आसानी से आ जाएगा। इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 30 तक स्क्वायर बहुत ही मस्ट है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है। 30 तक स्क्वायर आपको आना ही चाहिए। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि आप 30 तक याद कर लीजिए, तो वो यहाँ पर बहुत काम देगा आपको इस तरह के स्क्वायर को निकालने में, आपकी बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। तो सबके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम 30 तक स्क्वायर याद ही कर लीजिए। अगर न याद होता हो तो हमसे बताना कमेंट में, हम आपको याद करवा देंगे, उससे कोई बात नहीं है। आपको 10-15 मिनट में याद हो जाएगा। हो सके तो आप अपने मन से याद कर लीजिए, आसान रहेगा, कोई ज्यादा कठिन है नहीं। आप लगभग सबको 20 तक याद ही होता है, उसमें शायद 17 का, 18 का, 19 का दिक्कत होती है। 17, 18, 19 में तीन वो हैं, उनको याद कर लीजिए। बाकी 21, 22 आता ही होगा सबको, 25 भी आता है, 24 भी आता है, 26 भी आता है। 24 का क्या है, 576, 26 का 676, 25 का 525, ये तीन भी कवर। यानी 30 तक में लगभग आपको 5-6 स्क्वायर याद करने हैं, और तो कुछ याद ही नहीं करना है, 5-6 स्क्वायर उन्हें याद करना, बाकी तो आते ही हैं। सोच के देख लीजिए कौन कौन नहीं आते हैं, एक बार अपने मन में पढ़ लीजिए, और जो नहीं आते हैं उनको लिख लीजिए, उन्हीं की बात कर लीजिए। बस बहुत ही सरल है, कोई ज्यादा काम है नहीं। तो आइए इनको समझते हैं कि कैसे इन नंबर्स को वर्गमूल कैसे निकालेंगे। किसी भी नंबर का, चाहे जितना बड़ा नंबर दिया हो, उसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। आइए निकालते हैं। सबसे पहले वो नंबर लेते हैं जो कि हमने स्क्वायर निकाला हुआ है, जिसका कोई भी नंबर ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं 5476। 5476 आपको पता है 5476 74 का स्क्वायर है, 5476 74 का स्क्वायर। लेकिन ट्रिक से निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट के दो अंक छोड़ने पड़ेंगे, मतलब लास्ट के दो अंक आपको ध्यान नहीं देना, अभी लास्ट के दो अंक निकाल देना है सिर्फ। यहाँ पर मान लीजिए 54 लिखा हुआ है, यहाँ पर 54 लिखा, दो अंक लास्ट के छोड़ दीजिए, बाकी चाहे इतना नंबर हो, चाहे इधर और बहुत सारे नंबर हो, वो सब एक में रहेंगे, सिर्फ लास्ट के आपको दो अंक ही निकालना है, ठीक। अब क्या करेंगे कि ये जो 54 है यहाँ पर, इसको देखेंगे कि किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है, जो 54 है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है। अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में 54 आ रहा है, 49 और 64 के बीच में है 54, है ना, 54 है यहाँ पर 49 और 64 के बीच में। अब इसके आगे एक एक जीरो लगा देते हैं ताकि इसके बराबर हो जाए, यानी यहाँ पर 5476 है ना, इसलिए 5400 ऐसे बना दिया इसको। यानी कि इस नंबर, ये जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर जो है 70 और 80 के बीच में ही है,
70 और 80 के बीच में ही वो नंबर है जिसका ये स्क्वायर है। अब किस नंबर का है ये हमें कौन बताता है? ये 6 बताएगा हमें, लास्ट वाला अंक 6, लास्ट में कौन सा अंक है? 6। ये हमें 6 बताएगा कि कौन सा होगा। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, 16। 4 का स्क्वायर कितना? 16। लास्ट में 6 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में 6 आएगा, 6×6 36, लास्ट में 6 आएगा। यानी कि या तो ये 74 का स्क्वायर है या तो 76 का स्क्वायर है, या तो 74 का या तो 76 का, इन्हीं दोनों में से किसी के स्क्वायर है ये। अब किसका स्क्वायर है इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, 54 और 49 में कितना अंतर है? 5 का, यहाँ पर 10 का। जहाँ पर अंतर कम होगा वही वाला आंसर होगा, जिसके बीच अंतर कम होगा वही वाला आंसर होगा। यहाँ पर डिफरेंस कम है इसलिए आंसर कौन? 74। यानी कि ये 74 का स्क्वायर है। यहाँ पर अंतर कम होता तो 76 हो जाता, यहाँ पर अंतर कम इसलिए 74। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 का अंतर है और यहाँ पर 5 का अंतर ही है, नहीं डबल का फर्क है। तो आसानी से 74 निकाल लिया। आइए इनको करके देखते हैं कैसे होता है। आप थोड़ा सा समझ जाइए, बस थोड़ा सा ध्यान देके, अगर नहीं समझ में आया है तो बैक कर लीजिए वीडियो, वीडियो बैक करके एक बार फिर से देखिए। समझ गए एक बार हमेशा के लिए हो जाएगा वो। कितना लिखा है? 16641, 16641। वही काम सबसे पहले लास्ट के दो नंबर निकाल देना, बचा कितना जो भी बचा उसको ध्यान देना है। 166 बचा हुआ है, 166। 166 किन दो स्क्वायर के बीच में है? 166 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में है? 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। 144 और 169 के बीच में है, 12 13। 12 का स्क्वायर कितना? 144, 13 का स्क्वायर 169, इनके बीच में है। 0 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया। अब हमें पता चल गया कि 120 और 130 के बीच में है ये, 16641, 120 और 130 के स्क्वायर के बीच में है। लेकिन कितना है ये हमें कौन बताएगा? यूनिट प्लेस वन, ये वन बताएगा कि यहां पर कितना होगा। किन नंबर्स के स्क्वायर के लास्ट में नंबर वन आता है? या तो वन के स्क्वायर के लास्ट में वन आता है, या तो नाइन के स्क्वायर के लास्ट में वन आता है, या तो 121 का स्क्वायर है या तो 129 का स्क्वायर है। अब इनमें से किसका है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंस देखते हैं कहां पर डिफरेंस कम है। इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 का, और यहां पर तो ज्यादा है, 22 का लगभग आ रहा है। यहां पर ज्यादा डिफरेंस है तो सबसे कम डिफरेंस यहां पर, यानी कि आंसर कौन? 129, 129। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे, फिर से एक बार बताऊंगा। सबसे पहले लास्ट के दो अंक निकाल दीजिए, इसको भूल जाइए। कितना बचा? 166। 166 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच है? 12 और 13 के बीच में है, 120 130, 13 का स्क्वायर 169 00, 144 00। अब किसका है? 120 और 130 के बीच में तो है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कितने का है? हो सकता है आपको ऑप्शन में एक ही नंबर मिल जाए, लेकिन कितने का? या तो 1 का स्क्वायर होगा या तो 9 का स्क्वायर के लास्ट में बनाता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में 9 मिल जाए या 1 ही मिल जाए, दोनों में से एक ही मिल जाए तो तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा।
यानी कि या तो 121 का स्क्वायर है या तो 129 का स्क्वायर है ये। इतना समझ गए होंगे। अब कितने का है ये यहां पर डिफरेंस बताएगा, जहां पर डिफरेंस कम होगा उतने का ही हो जाएगा। यहां पर डिफरेंस 3 का है इसलिए 129, यहां पर ज्यादा का डिफरेंस है इसलिए ये नहीं होगा। डिफरेंस कितने का, 3 का है इसलिए 129 का स्क्वायर 16,641 है। ठीक, अगला 75 69, 75 69 दो अंक सबसे पहले निकालिए। 75 कितने स्क्वायर के बीच में है, 8 64, 99 81, 64 और 81 के बीच में है ये। कितने के बीच में, 64 और 81 यानी 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में है। कितना, 75 69, 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में है। कितना है ये कौन बताएगा, 9 बता रहा है कितना है। या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, या तो 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, या तो 83 का स्क्वायर होगा या तो 87 का स्क्वायर होगा। कौन होगा ये डिफरेंस बताएगा। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 6 का, और यहां पर ज्यादा है डिफरेंस। कितना है, 11 का डिफरेंस है। यहां पर 11 का डिफरेंस है और यहां पर केवल 6 का डिफरेंस है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, 87, 87 का स्क्वायर। अगला देखते हैं, 18,769। सबसे पहला काम लास्ट के दो अंक निकालिए, बचे कितने, 3 अंक। इनको देखना है कि कितने के स्क्वायर के बीच में है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का होता है 196, 0 0, यानी कि 130 और 140 के स्क्वायर के बीच में है। 130 और 140 के स्क्वायर के बीच में है। कितना है ये कौन बताता है, 9 बताता है। या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, या तो 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, या तो 133 का स्क्वायर है या तो 137 का स्क्वायर है। किसका है ये डिफरेंस तय करेगा कि किसका है। वैसे देखने से लग जाता है कि डिफरेंस कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। आपको यहां पर लग रहा है डिफरेंस कम है और यहां पर ज्यादा है, तो आंसर कौन होगा, 137। यहां पर 9 का डिफरेंस है और यहां पर 18 का डिफरेंस है। यहां पर 9 का है और यहां पर 18 का है, इसलिए आंसर कौन, 137। जहां पर कम डिफरेंस है वही हमारा आंसर होता है। इसको सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, इसके बाद आप बहुत ही आसानी से करने लगेंगे, इसको बहुत ही जल्दी निकालने लगेंगे। मैं यहां पर सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना टाइम दे रहा हूं, बाकी निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है 57 76। 57 किन दो नंबर्स के बीच में है, 7 8, 7 7 49, 7 8 56, 8 9 64। सत्तर अस्सी यानी कि 70 और 80 के स्क्वायर के बीच में है। किसका है ये 6 तय करेगा कि किसका है। 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, यानी कि या तो 74 होगा या तो 76 होगा। कौन होगा इसका डिफरेंस, यहां पर देखते हैं, या फिर यहां से अनुमान लगाते हैं। यहां पर 4 और 6 आया है, अगर 75 का स्क्वायर निकाले तो कितना होगा, 8 7 75, 8 7 5625, 5625, और ये 5625 से ज्यादा है,
इसलिए आंसर कौन होगा? 76। 56 से कम होता तो 74, लेकिन ज्यादा है तो इसलिए 76। और डिफरेंस भी निकालिए, डिफरेंस निकाल सकते हैं, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए 76 आंसर। आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे तेजी से चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे तेजी कर रहे हैं, और इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये। 734 41, दो नंबर छोड़िए, 734 किन दो स्क्वायर के बीच में है? किन दो नंबर के स्क्वायर बीच में है? 27 का स्क्वायर कितना होता है? सत्ताईस स्क्वायर 829, 28 स्क्वायर 784, 27 और 0 लगा देंगे, यानी 270 और 280 के स्क्वायर के बीच में है। और कितना है ये कौन बताता है? ये एक बता रहा है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो बताता है कितना होगा, या तो 271 होगा या तो 279 होगा। कौन होगा ये डिफरेंस तय कर लेते हैं कि कौन होगा, यहां पर कौन आएगा? डिफरेंस कहां पर कम है? 734 यहां पर है, डिफरेंस कहां पर कम है? डिफरेंस यहीं पर कम है, यहां पर 34 से 84 हो रहा है, यहां 29 ही है, तो इसलिए 271, 271 का स्क्वायर है ये। अगला देखिए, 615 04, 615 04, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 615 किन दो नंबर्स के बीच में है? 615, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, यानी 24, 24 और 25 के बीच में है। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576, 0 0। कितना होगा ये? 4 बता रहा है, या तो 2 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, या तो 242 होगा, या तो 248 होगा। 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। अब इन दोनों में से कौन होगा एग्जैक्ट के लिए डिफरेंस देखते हैं। यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर कितना है? यहां पर 10 है डिफरेंस, और यहां पर ज्यादा, यहां 15 से 76 हो रहा है, और यहां पर 15 से सिर्फ 25 ही है, यहां पर डिफरेंस कम है, इसलिए 248, 248। अगला 97344, 97344, सेम काम, सबसे पहले दो अंक नहीं ध्यान देना है। अगला है 973, किन दो स्क्वायर के बीच में है? 31 और 32 के, 0 0। या तो 310 का स्क्वायर है, या तो 310 20, या तो 310 और
320 के स्क्वायर के बीच में है, जो भी आएगा इसका स्क्वायर रूट। तो कितना होगा ये चार बताता है, या तो 312 होगा या तो 314 होगा। डिफरेंस कहाँ पर कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर 1000 हो रहा है, यहाँ पर 961 से 63 है, यानी डिफरेंस यहाँ पर कम है 312। अगला है 71289, 712 के इन दो स्क्वायर के बीच में है। 26 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 729 होता है, इसको 676 होता है। 729 676 यानी 260 और 270 के बीच में है। कितना है, 260 के स्क्वायर के बीच में है, 260 और 270 के स्क्वायर के बीच में है, जो भी यहाँ पर आएगा। कितना है ये 9 बताता है, या तो 269 है, 263 है, या तो 269 है। कौन है ये डिफरेंस तय करता है, यहाँ पर अंतर एक का है, इसलिए 269, 269 का स्क्वायर 69, सॉरी 267, 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, 67, 267 होगा। तो इस तरह से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा मेथड है। आप किसी और तरीके से निकालेंगे उससे अच्छा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पर।